Your with Learn and Grow अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए आर यू रेडी टू गो लेट्स गेट स्टार्टेड एज यू ऑलरेडी नो हम करे थे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सो so, आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे साथ वीडियोस के थ्रू समझे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो हर कॉन्सेप्ट जो है इन अ वे आपको समझाया जा रहा है ताकि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाओ बार बार सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है चैनल पर कॉन्सेप्ट को समझना है याद नहीं करना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है हर चीज को याद नहीं कर सकता तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और जब आप एक वीडियो दो बार भी देख लोगे तो आपको इजीली वो चीज़ जो है आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी तो आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमा कर आपसे पूछा जाएगा बस आपको ध्यान रखना है जो आपने समझा है उसे अप्लाई करना है सो आर यू रेडी टू गो लेट्स गेट स्टार्टेड नाइन इज सिल्वर क्लोराइड इज इन डार्क कलर्ड बॉटल्स एक्सप्लेन वाई बहुत सारे केमिकल्स आपने एज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स में देखे होंगे बट कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिन्हें डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है तो ऐसा क्यों किया जाता है क्या कॉन्सेप्ट है क्या साइंस का लॉजिक है ये हम अपनी वीडियो के थ्रू समझेंगे आर यू रेडी टू गो लेट्स गेट स्टार्ट तो बेसिकली सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है तो आपको ध्यान रखना है ए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है जिसमें सिल्वर को हम ए कहते हैं और क्लोराइड का सी तो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल्स में इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट सेंसिटिव है तो बाय फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन अब ये कौन सी डीकम्पोजिशन हो गई तो डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है ब्रेक होना टूटना जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और थ्री टाइप्स की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है फर्स्ट वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन सेकेंड वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन को हम लाइट डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं बेसिकली लाइट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद अगर कोई केमिकल ब्रेक करता है तो ऐसे टाइप के डीकम्पोजिशन को हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन कहेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होकर ब्रेक होकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ध्यान रखना है सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में इसलिए स्टोर किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी लाइट सेंसिटिव एंड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की वजह से वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या होते हैं डीकम्पोज हो जाते हैं इस वजह से सिल्वर क्लोराइड जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आया हो सकता है आपको अलग फॉर्म में जा सकता है जैसे अगर आपको कह दिया जाए एक सब्सटेंस एक्स है जिसे डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर किया जाता है और वो डीकम्पोज होकर कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है तो इस एक्स वाई जेड वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारा एक्स हो गया कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो टिल देन टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन